अस्सलाम वालेकुम आज आजकल हिबा बखारी अपने ड्रामा सीरियल फितूर से हर दिल की धड़कन बन चुकी हैं तो चलिए आज आपकी मालूम में इजाफे के लिए हम हिबा बखारी के उन ड्रामास के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर यकीनन आप शॉक रह जाएंगे लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें ड्रामा सीरियल हारा दिल ड्रामा सीरियल हारा तिल में हिबा बुखारी ने मोमिना का किरदार अदा किया ड्रामे की राइटर राबिया रजाक प्रोड्यूसर दानिश तैमूर और हसन जिया हैं जबकि ड्रामे के डायरेक्टर फारूक आदम हैं कास्ट में दानिश तैमूर हिबा बुखारी सीमी पाशा और महमूद असलम समेत बहुत से दीगर फनकार शामिल हैं ड्रामा सीरियल हारा दिल में हिबा का काम नाजरीन ने बहुत पसंद किया ये कहानी है मोमिना और अरहम की जिनकी मोहब्बत उस वक्त आजमाइश में घिर जाती है जब पता लगता है कि मोमिना की माँ उम्मीद से है गुनाह ना होने के बावजूद हमारे माशरे में जवान बच्चों की माँ का फिर से माँ बनना मायूब और मजह का खेस समझा जाता है औलाद माशरा और डॉक्टर्स की मुखालफत एक तरफ और ढलती उम्र में बेटे का बाप बनने की ख्वाहिश दूसरी तरफ ऐसे में मोमिना का रद्द बिल्कुल गैर मुतव होता है ड्रामा सीरियल थोड़ी सी वफ़ा थोड़ी सी वफ़ा ड्रामे पर हिबा बुखारी को बेस्ट परफ़ॉर्मेंस अवार्ड भी मिला था थोड़ी सी वफ़ा मुमिना दुरेद की प्रोडक्शन है इस सीरियल में शमील ख़ान और हिबा बुखारी मरकजी किरदार अदा कर रहे थे ये सीरियल ख़ानदानी मोहब्बत की कहानी पर मबनी है जिसे सारा मजीद ने लिखा है और वहाँ जाफरी ने हिदायतकारी की है जहां और सिमल की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया हिबा बुखारी ने अपने किरदार में खोकर अदाकारी की है इस ड्रामे को नाजरीन ने सिर्फ हिबा की दिलफरेब अदाकारी पसंद किया ड्रामा सीरियल तेरी मेरी जोड़ी हिबा बुखारी का सबसे पहला ड्रामा तेरी मेरी जोड़ी जियो टीवी पर नशर किया गया था ये सीरियल बाबर जावेद ने जी टीवी प्रोडक्शन के इश्तराक से तैयार किया है ये गुजराती लड़की जिया और पंजाबी शख्स कबीर की मोहब्बत की कहानी है ड्रामे की कास्ट में समी खान अलमास फिदाई अदील अली अंसारी नादिर फैसल काजी कैफ गजनफी और सोनिया शामिल हैं इक्यावन साथ के इस ड्रामे को अबीर मेहर ने लिखा और सैयद अली रजा उस्मानी ने डायरेक्ट किया ड्रामा सीरियल छोटी सी जिंदगी हिबा बुखारी का एक और कामयाब ड्रामा छोटी सी जिंदगी है जिसमें गलत सोबत का शिकार होकर खानदान की इज्जत को उन्नीस सौ सत्तर की दिहाई के तनाजर में फिल्माई गई ड्रामे का मरकजी ख्याल अवाइल उम्र की शादी है यह कहानी तो किरदारों दोा और अमीना के गर्द घूमती है पढ़ाई के लिए छोटे शहर से निकल कर बड़े शहर जाता है लेकिन उर्वा के वालिद साहब को यह खतरा लाक होता है कि वो गलत सोबत का शिकार होकर खानदान की इज्जत को दागदार न करते और इसी खतरे के पेश नज़र उर्वा को बगैर बताए उसकी मंगनी अपनी भांजी अमीना से कर देते हैं और ख़त के जरिए उर्वा को इतला दे देते हैं उर्वा जो अपनी क्लास फेलो इज़रा से मोहब्बत करता है गांव लौटकर कर जी को मनाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी एक नहीं चलती और शादी की तारीख तय कर दी जाती है उर्वा को सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है कि वो अमीना से शादी करके उसे गांव में वालदेन के पास छोड़कर शहर में अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे सरवत नज़ीर के तहरीर करदा मेगा प्रोजेक्ट को शकील ख़ान ने डायरेक्ट किया है मोमिना दुरेद प्रोडक्शन की पेशकश के नुमाया अदारों में शहजाद शेख हिबा बुखारी इकरा अब्दुल अजीज़ सैयद दफरूज रसूल किरण शाहिद आसमा सैफ फरा शाह नम्रा ख़ान ताहिरा इमाम समीर अहमद और दीगर अदाकार शामिल हैं ये ड्रामा सीरियल भी सकसात पर मुश्तम था ड्रामा सीरियल सिलसिले ड्रामा सीरियल सिलसिले में हिबा बुखारी ने जानदार मेन रोल अदा किया है ड्रामे में मोहब्बत और रोमांस के अलावा सगे रिश्तों को भी मौजूद बहस लाया गया सीरियल में हिरा और अबीहा नामी दो लड़कियां हैं जो जावेद और शाहजेब से एकतरफा मोहब्बत करती हैं दूसरी तरफ ये कहानी एक माँ के गर्द भी घूम रही है जो अपनी बेटियों को जवारी पाप से महफूज रखने और इनके बेहतरीन मुस्कबिल के लिए मुसलसल जदोजहद करती रहती है मुनफरद अंदाज से तख्लीक की गई दिल छू लेने वाली कहानी को समरा बुखारी ने बहुत उम्दगी से तहरीर किया जिसे सैयद वजाहत हुसैन ने इंतहाई महारत से डायरेक्ट किया है बाज़ एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन में बनने वाले सीरियल की प्रोड्यूसर इरम बिनत शाहिद हैं जानदार अदाकारी के जौहर दिखाने वाली हिबा बुखारी मारूफ किरदार अदा करने वाले बासलाहियत अदाकार जुनेद खान के साथ जलवागर हुई जबकि ड्रामे के दीगर किरदारों में शगफ्ता एजाज मोमल शेख मुनी बट सीमी राहल जबी, हबीब और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल तड़प ड्रामा सीरियल तड़ब में हिबा बुखारी ने जनेरा का किरदार निभाया जो की मेन रोल है ड्रामे में इस वक्त हिबा बुखारी की अदाकारी देखने के लायक है जब हिबा बुखारी के किरदार पर सलीम महराज लगाते दिखाई दे रहे हैं और घर से निकाले जाने पर अचानक सैयद जबरान आ जाते हैं ड्रामे की कास्ट में सैयद जबरान हिबा बुखारी बाबर अली नौशीन शाह और सलीम महराज शामिल हैं ड्रामे के हिदायतकार मिसबा सैयद हैं ड्रामा सीरियल रमज इश्क रमज़ इश्क में हिबा ने एक बेहद मासूम लड़की का रोल प्ले किया है इस सीरियल में मोहब्बत के साथ जज्बात की नुमाइंदगी भी की गई किस तरह बरसों में परवान चढ़ने वाली मोहब्बत जज्बात के बायस कुछ लम्हों में कैसे सब कुछ खो बैठती है मिकाल जुल्फ़िकार और हिबा बुखारी ने इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किया जबकि दीगर कास्ट में आबिद अली और एजाज असलम किरण हक जैनब क्यूम गौहर रशीद निदा मुमताज़ शबीर जान अजरा मुहुलद्दीन शायस्त जबीन फरियाल महमूद और मंसूर क्रैशी ने यादगार किरदार निभाए एक ऐसा मौका भी आया जब कहानी में गम को जावियों से दिखाया गया माँ को अपनी बेटी के लिए तलाक़ का सदमा किस कर्ब में मुबतला कर देता है ये मंजर देख कर नाजरीन की आंखें भी नम हो गईं गैर मामूली कहानी की हिदायत सिराजुल ने दी है जबकि हसास मौजू पर ड्रामा मिसबा नौशी ने तहरीर किया ड्रामा सीरियल भोली बानो ड्रामा सीरियल भोली बानो में बानो का किरदार हेबा बी ने अदा किया है अब क्या वो वाकई भोली थी ये तो आप ड्रामा देख कर ही जान पाएंगे अपने से अंजाम तक अवाम की तवज्जो का मरकज बनने वाला जियो टीवी का ड्रामा सीरियल भोली बानो शानदार रेटिंग लेकर ही कामयाब करार पाया अवाम के इस पसंदीदा ड्रामे में हिबा बुखारी सैयद जबरान समीना अहमद वसीम अब्बास इमरान बुखारी कवर अरसलान साजिदा सैयद नमरा शाहिद अपने किरदारों के सबब शायक के दिलों में घर कर चुके हैं बोली भानों को फुरकान अदब ने उम्दगी से डायरेक्ट किया है जबकि सीरियल की कहानी समरा बुखारी ने अपने कलम से बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है वालदेन की वफ़ात के बाद नानी के साथ रहने वाली नेक लड़की भोली बानो किसी अनदेखी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद नफ़रत और नाइंसाफी की भेंट तो चढ़ गई पर क्या ताजदार बानो की शादीशुदा ज़िंदगी में नफ़रतें गर्दिश करती रहीं ड्रामा सीरियल फितूर, ड्रामा सीरियल फितूर में हिबा बुखारी ने दिलनिशीन का किरदार अदा किया मोहब्बत की ऐसी कहानी जो सबसे मावरा है जिसमें मोहब्बत करने वाले अपना माजी भूल कर सिर्फ अपने मुस्कबिल में खो जाते हैं यह खूबसूरत तशीज़ा दिलनशी के गर्द घूमती है। हैदर अपने शोबे में कामयाब होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में किसी की कमी महसूस करता है और माजी की मोहब्बत में खोया रहता है दिल एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और अपनी बेहतरीन सहेली के भाई हमजा की मोहब्बत में गिरफ्तार है जब हैदर और दिलनशीन एक दूसरे के हो जाते हैं तो दिलनिशीन की ज़िंदगी में एक गैरमतव मोड़ आ जाता है और सवाल पैदा होता है कि क्या वो दोनों अपने माजी को भूल सकेंगे और सुकून के साथ हाल में इकट्ठे रह सकेंगे मोहब्बत और किस्मत के इस ड्रामे की हिदायत सेवन स्काई के पर डायरेक्टर सिराजुल हक ने दी है इसे तहरीर किया जंजबील आसिम ने और इसके प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं हिबा बुखारी फैसल कुरैशी किरण हाकर वहाँ चली मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं ड्रामा सीरियल की ड्रामा सीरियल दीवानगी की कहानी पुरजोश लड़की हिबा बुखारी यानी कि नगीन फयाज के गर्द घूमती है जो अपनी मेहनत के जरिए गरबत की जंजीरों को तोड़कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती है लेकिन बदकिस्मती के अंधेरों में इसकी मुलाकात मंसूर दुरानी से हो जाती है जो बहुत जल्द एक सियासतदान बनने वाला है और इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है दोनों मुश्किल हालात में आगे बढ़ते हैं जिसके बायस ग फ़हमियाँ नाकामियाँ इनके रास्ते की रुकावट बन जाती हैं गलत फ़हमियों जज्बाती और जिंदगी की तल हकीकतों का मुकाबला करते हुए इनकी मोहब्बत का सफ़र भी जारी रहता है मोहब्बत के इस सफ़र में कई चौंका देने वाले ट्विस्ट भी आते हैं ड्रामा सादिया अख्तर की तहरीर है ड्रामे के हिदायतकार जीशान अहमद है और नाजरीन के पसंदीदा अदकार दानश तैमूर और वर्सटाइल अदा हिबा बुखारी जबकि कहानी के दीगर अहम आर्टिस्टों में अली अब्बास जोया नासिर महमूद अस्तम निता मुमताज़ इसमत सैदी नूर अल हसन परवीन अकबर और हुमैरा बानो शामिल हैं तो आपको हिबा बुखारी का कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा